हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे प्रिंट बुकलेट। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको अच्छे से तभी बताया जा सकता है जब आपने कम्प्लीटली कोई बुकलेट का डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो मैं जब प्रोजेक्ट सिखाऊंगा तो उसमें भी आपको प्रिंट बुकलेट अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी ओवरऑल बुकलेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको डिज़ाइनिंग में आसानी होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको मैं आपको बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। मान लीजिए ये एक छोटा सा मैगज़ीन है, ओके, मैगज़ीन बुकलेट टाइप का है। तो ये है टोटल आपका 24 पेजेस, ओके। कैमरा ठीक से दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। सो ये मेरा टोटल सिर्फ 24 पेजेस का बुकलेट है, ओके। सो दिस इज़ ओनली 24 पेजेस। सो इसको हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो देखिए अंदर का पेज से हम लोग शुरू करते हैं। डिज़ाइन कैसे होता है और प्रिंट कैसे होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ओके। सो इसको मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। अभी देखिए पहला पेज में ये वाला लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद सेकेंड पेज में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। थर्ड पेज में ये लिखा हुआ है। जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगा तब मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, पहले पेज वन का कॉन्टेंट डिज़ाइन करूँगा, फिर पेज टू का कंटेंट डिज़ाइन करूँगा, फिर पेज थ्री का करूँगा। तो ऐसे करके पेज बाय पेज ही मैं कंटेंट को डिज़ाइन करूँगा। तो यही एक्चुअली प्रोसेस है। लेकिन जब प्रिंटिंग होता है तो क्या पेज टू और थ्री एक साथ ऐसे प्रिंट होता है, नहीं होता है। तो आप पेज को देखिए, इसको मैं अगर यहाँ से साइड करके दिखाता हूँ तो इस पेज के बाद इस ये पेज प्रिंट नहीं होता है, ये वाले पेज के बाद प्रिंट होता है इसके नीचे जो पार्ट है, मतलब पेज नंबर वन का लास्ट पार्ट होगा पेज नंबर 24। उसके बाद इसका अंदर का जो पार्ट टू पेज टू है उसका राइट साइड में प्रिंट होगा 23, फिर प्रिंट होगा पेज नंबर थ्री, उसके बाद उसका पेज नंबर 22। तो ऐसे होके पेज का प्रिंट अलाइनमेंट अरेंज किया जाता है। तो अभी आप ही सोचिए, आप अगर ऐसे अरेंज करते हैं और कल को बीच में एक या दो पेज इंसर्ट करना पड़ जाए तो आपका सारा कुछ प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगा। आपको फिर बार बार ईच एंड एवरीथिंग इसको सेट करना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए प्रिंट बुकलेट का जो ऑप्शन आया है उसमें ये चीज़ हमको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर हमारे लिए ये करके दे देता है, ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीरियली ही सेटिंग करना पड़ेगा और हमको पेज सेटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब A4 में दो पेज प्रिंट हुआ है उसके बाद ये फोल्ड हुआ है, तो हमको दो पेज साथ में डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा एक पेज का मतलब कितना है, मेरा एक पेज का मतलब है सिर्फ इतना, दिस इज़ वन पेज। ये प्रिंट ऐसे होता है लेकिन मेरा एक पेज का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो फाइल न्यू इन डिज़ाइन में करूँगा अपना पेज का साइज के हिसाब से करूँगा, ना कि प्रिंट में फुल स्क्रीन में जो आए वैसा करूँगा, ओके। सो देखिए ये थ्योरी में 3-4 मिनट जा रहा है लेकिन ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज बुकलेट क्यों बना रहे हैं हम नहीं जान पाएंगे। सो हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे हम लोग प्रिंट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग अपना पेज के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ओके। अभी मान लीजिए ये पेज है A4 साइज़, ये A4 साइज़ का पेज है। तो A4 साइज़ में ये 297 होता है, ये 210 होता है मिलीमीटर में, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 210 मिलीमीटर यहाँ से रखेंगे और यहाँ 297 के बदले उसका आधा लेंगे, ओके। मतलब मैं जब इन डिज़ाइन में जाऊँगा और इसका जब मैं फाइल न्यू क्रिएट करूँगा, फाइल न्यू डॉक्यूमेंट, आई विल नॉट टेक A4 साइज में नहीं ले पाऊँगा, यहाँ पे मुझे मैनुअल देना पड़ेगा। यूनिट मैंने दिया इसको मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर मैंने दिया, मिलीमीटर में मेरा ये हुआ विड्थ हुआ ये हाइट। तो मेरा विड्थ है, ये वाला है विड्थ और ये वाला है हाइट। मेरा जो हाइट होगा, ओके, मेरा ये हाइट होगा 210 मिलीमीटर, मेरा ये जो हाइट होगा ये 210 मिलीमीटर होगा और ये जो होगा 297 डिवाइडेड बाय 2, ओके, कितना आता है 297 डिवाइडेड बाय 2, 297 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 148.5, ओके। सो ये विड्थ होगा मेरा 148.5 और ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही रहेगा, तो मैंने क्रिएट कर दिया, ओके।
अभी देखिए ये जो मेरा फाइल साइज जो बना है यहाँ पे वो एग्जैक्टली ये वाला साइज में बना है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करने के बदले में आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ पेज नंबर 1। ओके, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि पेज नंबर 1 मैंने जो लिखा एक्चुअली वो पेज नंबर 1 कौन सा है। ओके, सो आई गो टू विंडो टाइप एंड टेबल कैरेक्टर। सो यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा दिया ऐसे। यहाँ पे मैं पेज 1 नीचे कहीं पे लिख देता हूँ ऐसे साइड में। इसका कलर हम लोग दे देते हैं, सॉरी नन। टेक्स्ट टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टी टूल सिलेक्ट लाइक दिस, और इसका मैंने कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, रेगुलर को आई थिंक बोल्ड। ओके, लाइक दिस। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली कीजिए। सो लेआउट 10 पेज ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, लेआउट पेजेस ऐड पेज इंसर्ट पेज कर देते हैं, 9 पेजेस इंसर्ट कर देते हैं। ओके, सो अभी कंट्रोल वी यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल वी यहाँ पे कर दिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज 2, मतलब ये मेरा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मैंने यहाँ पे पेज 2 का कुछ डिज़ाइन किया है। आप डिज़ाइन कुछ भी बनाइए, ठीक है। पेज 3, इसको मैं पेज 4 कर देता हूँ, पेज 5 कर देता हूँ ऐसे, दिस इज पेज 4, थोड़ा मेहनत का काम है पेज 5। ओके, लेकिन जब मैं प्रिंट बुकलेट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इतना एक्सरसाइज करने से हमारा फायदा क्या होता है। ओके, पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 8, होप आई एम गोइंग राइट। पेज 4 5 के बाद कैसे आ गया, ये पेज 1 है, ये 2 3, ये 4 5, आई थिंक दिस इज 6 एंड 7, सॉरी। सो दिस इज 6, दिस इज 7। ओके, इसके बाद दिस वन विल बी 8, दिस वन विल बी 9। ओके, दिस वन इज 8। ऑल्ट पकड़ के मैं ड्रैग कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए, सॉरी। दिस इज पेज नंबर 8, दिस इज पेज नंबर 9। ओके, इसके बाद मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लास्ट में पेज नंबर 10। ओके, लाइक दिस। एंड नाउ सेव दिस फाइल, एक बार सेव कर लीजिए। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया मैगजीन 1, मैगजीन 1 मैंने इस फाइल का नाम दे दिया। तो अभी देखिए, आप अपना IQ लगाइए, 10 पेज का बुक हो सकता है क्या? एक्चुअली 10 पेज का बुक नहीं हो सकता है। अगर मुझे A4 साइज में फ्रंट बैक प्रिंट करना है और A4 साइज में ये दो चाहिए, तो मेरा एक A4 में फ्रंट बैक में कितना पेज आएगा, 1 2 3 4, तो 4 8 12, मतलब या तो 4 पेज का हो सकता है, या 8 पेज का हो सकता है, या फिर 12 पेज का हो सकता है। आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 पेज का डॉक्यूमेंट हुआ तो 2 पेज तो ब्लैंक रह जाएगा ना, तो आप अगर 10 में सेटिंग करेंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेज में इंसर्ट पेजेस और 2 पेजेस ऐड कर देंगे। ओके, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो होप मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मतलब एक जगह पे जब प्रिंट होता है, ये A4 साइज का मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि जिनको डाउट हो समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मेरा पेज ऐसे जाएगा प्रिंटिंग के लिए, और मेरा एक पेज डिज़ाइन है सिर्फ इतने का। तो इतना पेज में फ्रंट में कितना आता है, 1 2, तो बैक में आता है 3 4, मतलब एक प्रिंट का पेपर में 4 पेज प्रिंट होता है, तो 2 पेपर में 8 पेज प्रिंट होगा, और 3 में 12 का पेजेस का ऑप्शन है, तो आप 10 पेज क्यों प्रिंट करेंगे? आप तो कागज़ जैसे भी हो यूज़ कर रहे हैं ना, तो 2 पेज एक्स्ट्रा प्रिंट करने में फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके, मतलब अगर आपने प्रिंट नहीं किया देन योर पेज विल गो वेस्टेड, तो दैट्स वाई इसको हम लोग 12 कर देते हैं। ठीक है, इससे हमको सेटिंग भी समझ में आ जाएगा। तो मैनुअल सेटिंग में क्या होगा, आपका एक पेज अगर रह जाता है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में रहेगा 12, और उसको जब उल्टाएंगे तो क्या होगा, पेज 2 लेफ्ट में रहेगा, तो पेज 11 रहेगा 11। इसको मुझे मैन्युअली सेटिंग करना पड़ता है अपना, एक नया A4 साइज बना के, तब जाके ये वाला आप प्रिंट कर सकते थे। ये पुराने ज़माने का टेक्निक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, प्रिंट
प्रिंट बुकलेट जैसे ऑप्शन की वजह से आपका ये सेटिंग कंप्यूटर अपने आप कर देता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रिंट पेज सेटिंग्स। ओके, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ प्रिंट बुकलेट। इसमें बहुत सारा सेटिंग्स होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पहले सेटअप, सेटअप में क्या है, प्रिंट प्रीसेट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे बुकलेट टाइप है सैडल स्टिचअप, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मैन्युअली आपको चेंज करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑल सैडल स्टिचअप स्पेस बिटवीन पेजेस यहाँ पे सब दिया हुआ है। प्रीव्यू आप देखिए, प्रीव्यू ऐसे दिया हुआ है। समरी में जाके देखिए, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा प्रिंट सेटिंग्स में। प्रिंट सेटिंग्स में जिनका देखिए प्रिंटर सिस्टम में लोड हुआ होगा वो ही प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप में प्रिंटर लोड नहीं हुआ है तो ये सेटिंग नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है लेकिन थोड़ा ट्रबल करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंटर के बदले में पीडीएफ करना पड़ेगा। ओके, अगर प्रिंटर आपका नहीं है तो, मेरा यहाँ पे प्रिंटर है तो मैं प्रिंटर में सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग का प्रोसेस सेम है। ओके, मतलब अगर आपने पीडीएफ किया तो वो बुकलेट पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा, जिसको आप प्रिंटर के पास लेके प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर को सुविधा होगा फ्रंट बैक प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेटअप में जाएंगे, मुझे इसको प्रिंट निकालना है A4 साइज पेपर में, और मैंने जानबूझ के पूरा ध्यान से उसको A4 साइज पेपर का आधे में ही मेज़र करके किया था। मैं रफली नहीं कर सकता कुछ भी, पूरा मेज़र करके करना पड़ेगा। तो A4, और ये प्रिंट कैसे होगा, हमारा डिज़ाइन के लिए ये पोर्ट्रेट है, लेकिन जब पेपर ऐसे हो जाता है तो ऐसा रहता है पोर्ट्रेट, तो ऐसे आप प्रिंट नहीं करेंगे, आप प्रिंट ऐसे करेंगे। सो दिस विल बी लैंडस्केप, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको करना पड़ेगा, A4 और लैंडस्केप। ओके, मेरे ख्याल से इतने में आपका काम खत्म हो गया। ओके, अभी देखिए ठीक हुआ या गलत हुआ, आपका यहाँ का नंबरिंग और मेरा जो पेज नंबरिंग लिखा हुआ है ये अगर सेम आया तो मेरा डिज़ाइन पूरा परफेक्ट है। अभी देखिए पेज 1 और 12 आगे पीछे होना चाहिए, यहाँ पे देखिए मेरा पेज 1 लिखा हुआ है, पेज 12 लिखा हुआ है, मतलब मेरा पेज 1 का कंटेंट और पेज 12 का कंटेंट साइड बाय साइड रखा हुआ है, जो कंप्यूटर का सेटिंग और मेरा सेटिंग मैच कर रहा है। वैसे पेज 2 में जाइए, पेज 2 यहाँ पे है, पेज 11 यहाँ पे है, मतलब ये जो लिखा हुआ है 2 और 11 इसका मेरा लिखा हुआ से मतलब नहीं है। मैं पेज 2 में कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, पेज 11 में कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, और यहाँ नीचे पेज 2 पेज 11 लिखा रहता। तो मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको पेज को बड़ा करके लिखा है, सो दैट मैं आपको समझा सकूँ कि देखिए हमारा सेटिंग पूरा परफेक्ट है प्रिंटिंग के लिए। और मैंने प्रिंटिंग के लिए कोई मेहनत नहीं किया, मतलब पेज 4 का कॉन्टेंट को ला के यहाँ पेस्ट करना पड़ता, पेज 9 का कॉन्टेंट करना पड़ता, तब जाके ये सेटिंग बनता, जो बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट बुकलेट ऑप्शन, अभी मैं अगर प्रिंट करूँगा तो अपने आप कंप्यूटर इस सेटिंग्स के हिसाब से प्रिंट लेगा। आपको सिर्फ पेपर इंसर्ट करना है, मतलब पहला पेपर इंसर्ट किया, फिर आप उस पेपर को ऐसे उल्टा डालेंगे और अंदर का निकालेंगे, फिर दूसरा इंसर्ट किया, तीसरा निकालेंगे। तो ऐसा करके आप मैनुअली इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्टली प्रिंट निकालते हैं। लेकिन अगर पीडीएफ फाइल करके ले जाते हैं तो और भी बेटर है। पीडीएफ फाइल में क्या होता है, मान लीजिए इसका मुझे 50 कॉपी निकालना है, अगर आप यहाँ से प्रिंट देंगे तो क्या होगा, पहले एक निकलेगा, फिर उसको उल्टा के डालना पड़ेगा, 2-3 निकलेगा, फिर दूसरा उल्टा के डालना पड़ेगा, पेज नंबर 4-5 निकलेगा, फिर ऐसे बार बार डालना पड़ेगा। पीडीएफ आपने बना दिया तो प्रिंटर वाला क्या करेगा, पहला पेज को 10 पेज प्रिंट निकाल दिया, फिर उसको ऐसे उल्टा दिया, फिर सेकेंड पेज को 10 पेज प्रिंट निकाल दिया, तो वो इजियर रहता है। तो पीडीएफ फाइल में सेट करने के बाद प्रिंट इजी रहता है। तो सिस्टम सेम है, आप एडोब पीडीएफ में A4 साइज और लैंडस्केप चूज कर देंगे तो भी वैसे ही आएगा, और डायरेक्ट फाइल प्रिंट में करेंगे तो भी वैसे ही आएगा। तो मैं आपको पीडीएफ भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट बुकलेट में गया, ज़्यादातर लोग अगर नया नया में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास प्रिंटर नहीं होता है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट सेटिंग में जाएंगे, मतलब जो लोग डिज़ाइन करते हैं और बाहर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको एडोब पीडीएफ कर देंगे। ओके, मैंने पीडीएफ कर दिया, सेटअप में A4 कर दिया, ऐसे कर दिया। ओके, तो अभी मैंने इसका प्रीव्यू देख लिया, देखिए ठीक आ गया। यहाँ पे देखिए पीडीएफ करने के लिए भी प्रिंट ऑप्शन ही रहता है,
मतलब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कंप्यूटर अपने आप इसको पीडीएफ नेम में सेव कर देगा। ओके सो प्रिंटिंग के लिए भी प्रिंट नाम है और यहाँ पीडीएफ में सेव करने के लिए भी प्रिंट ही लिखा होगा। आपने पीडीएफ चूज किया तो अपने आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल चूज करेगा, मैगजीन वन, ओके, प्रिंटर, करंट प्रिंटर, एनालाइज प्रिंटर सेटिंग। सो ये प्रिंटर में कुछ सेटिंग है, उसको हम लोग चेंज करके इसको सेव कर देंगे तो पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा और आप इसको कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया 15 मिनट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो जब भी आप कोई बुकलेट डिज़ाइन करने बैठेंगे तो आप माइंड में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हर पेज का कंटेंट डिज़ाइन करना है और प्रिंटर वाले को दे देना है और वो उस प्रिंट बुकलेट ऑप्शन को यूज़ करके अपना सेटिंग कर देगा और अपना प्रिंट भी आराम से निकाल लेगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सो ओके, सो टुडे वी हैव लर्न्ड हाउ टू प्रिंट बुकलेट विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर आवर प्रिंटिंग। थैंक यू।